वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड ऑडियंस, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। इन टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट बोरिक एसिड। व्हाट इज बोरिक एसिड और मेनी टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड। देर आर फोर टाइप्स, फोर इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। नंबर वन ऑर्थोबोरिक, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक एंड पाइरोबोरिक। टुडे आवर कंसर्न इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड अ बोरिक एसिड। दीज एसिड आर मोर स्टेबल एसिड। All other acid, metaboric acid, tetraboric acid, pyroboric acid are stable in solid form, but in solution form, these acid are converted into a orthoboric acid. Convert into a orthoboric acid. These are not stable in a solution form because orthoboric acid or boric acid are slightly stable in a solution form. And orthoboric acid or boric acid is a monobasic acid, monobasic Lewis acid. Why? ऐसा क्यों है? Orthoboric acid जो है ना आपके पास weak acid है और monobasic भी है। Monobasic इस वजह से है क्योंकि ये hydroxy ion से lone pair of electron क्या कर देता है? Accept करता है और ये easily electron donate नहीं करता। उसकी reason क्या है? बोरान ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक हो गया। वो इतना वीक बॉन्ड नहीं होता जिसकी वजह वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता। सो दैट्स व्हाई इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोक्सीन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। ओके, हियर वी सी दैट मेटाबोरिक एसिड व्हेन डिसोसिएटेड इनटू अ वाटर व्हिच कन्वर्ट इनटू अ ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। इसे हम ट्राई हाइड्रोजन बोरिक एसिड का नाम भी देते हैं। इसी तरह देखें टेट्राबोरिक एसिड है या H2B4O7 है या हाँ बोरिक एसिड। इसको जो है वाटर में डाला, ये भी क्या है? वाटर की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या है? अपनी कंडीशन में बोरिक एसिड की फॉर्म में स्टेबल नहीं है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग बोरॉक्स विद अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोरिक एसिड का एक मेथड है जिसको फर्स्ट मेथड जिसे जो है डिस्कवर किया था विलियम होमबर्ग ने। विलियम होमबर्ग एक फर्स्ट पर्सन था। विलियम होमबर्ग इज अ फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड अ बोरिक एसिड फ्रॉम अ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम एन एसिड। ओके, ही रिएक्ट HCl. When HCl react with a borax and a 2B4O7 and 10H2O, that is a tinnical, borax tinnical, that react with HCl, then it form of a boric acid, hydrolyzed हो जाएगा। ये क्या मैं होता है? Salt है, borax क्या salt है? Water में डाला, acid में डाला, hydrolyzed हुआ, neutralized हुआ, आपके पास acid plus water plus salt prepare कर दिया। Okay, अब यहाँ से हम देखते हैं कि बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे है हमारे पास। बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के केस के अंदर बोरॉन क्या है हमारे पास? सेंट्रल मेटल एटम है। ये क्या बोरॉन है? नॉन मेटल है बोरॉन। और इसके साथ देखें क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये जो आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है, ठीक हो गया। ये ऑक्सीजन है, OH बॉन्ड है। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होने की वजह से आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना ज्यादा वीक नहीं है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वीक एसिड एंड अ मोनोबेसिक एसिड। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बोरॉक्स। ईच बोरिक एसिड मॉलिक्यूल फीचर बोरॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। बोरॉन ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। बोरॉन एटम ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन। बोरॉन सेंट्रल पोजीशन के ऊपर है। तो इस स्ट्रक्चर से, ज्योमेट्री से हमें क्या रिजल्ट मिला कि इस क्या ज्योमेट्री है? इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है बोरिक एसिड। नेक्स्ट
ये तो था हमारे पास बोरिक एसिड। आगे बोरिक एसिड को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो हमने कहा लेबोरेटरी के अंदर, जिसको हमबर्ग ने प्रिपेयर किया था, विलियम हमबर्ग एशिया के साथ। और कौन से मेथड है कमर्शियल स्केल के ऊपर बोरिक एसिड की प्रिपरेशन? तो फर्स्ट जो मेथड है वो है कॉलिमिनाइट्स। कॉलिमिनाइट क्या होते हैं हमारे पास? ओर्स ऑफ अ मिनरल्स विच ओर्स ऑफ अ कैल्शियम बोरॉन, कैल्शियम और बोरॉन की ओर्स है। और इन ओर्स को हम क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। और इस बॉयलिंग ओर्स में से हम क्या करेंगे? बोरॉन को सेपरेट करेंगे। अब इस ये जो बॉयलिंग ओर होगी, इसमें से हम क्या पास करवाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और स्टीम, स्टीम वाटर। इस हॉट वाटर के अंदर डालेंगे इस कॉलिमिनाइट्स को, और ये क्या कर देगा आपके पास? कैल्शियम सल्फेट प्लस बोरिक एसिड CSO3, ये आपके पास वाटर के अंदर रह जाएगा प्रेसिपिटेट बन के उस बोरिक एसिड के अंदर। इट इज सस्पेंडेड इन बॉयलिंग वाटर। कॉलिमिनाइट्स को सस्पेंड करेंगे किस पे में? ये बॉयलिंग वाटर H2O इस वाटर के मॉलिक्यूल में, और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से पास करवाएंगे। जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे, बोरिक एसिड क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम आवर सॉल्यूशन। और बोरिक एसिड क्या होगा? इस सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइज, कॉलिमिनाइट का जो सॉल्यूशन बना था उसमें से बोरिक एसिड सेपरेट आउट हो जाएगी, और CSO3 रिमेन इन द सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये तो था हमारे पास कमर्शियल स्केल्स के ऊपर फ्रॉम कॉलिमिनाइट से। एक और मेथड है फ्रॉम बोरैक्स। बोरैक्स से किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं? एक जिस तरह हमने कहा HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, दूसरा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी अगर हम रिएक्ट करवाएंगे और बॉयलिंग वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? सोडियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में सॉल्ट नीचे बन जाएगा, और H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये जो दो तीन मेथड थे हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ अ बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड की। और नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ आर्थोबोरिक एसिड? इट इज अ वाइट लस्ट्रस, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, ट्राइक्लिनिक्स क्लीनिंग के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। सॉफ्ट सोपी टच, जिस तरह साबुन नहीं होता, साबुन जिस तरह टच करते हैं फिसलन महसूस होती है, तो ये भी इसी तरह के जो है क्रिस्टल्स हैं कि इनका सॉफ्ट सोपी टच होता है साबुन की तरह का। और क्या है आपके पास? इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में इन जिनकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? बहुत लेस है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। कितने सॉल्युबल है? 2.6%। जब 100 डिग्री के ऊपर कितना इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई? 35 टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी 37% तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड प्योरीफाइड बाई वाटर, दस इट कैन बी सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड बाई वाटर। इसको जो प्योरी वाटर की प्योरीफिकेशन में लिए भी यूज करते हैं, और इसको कैन बी सेपरेट एंड प्योरीफाइड बाई, सेपरेट करेंगे और इसको वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, वाटर हार्डनेस की, जिस तरह बोरॉक्स को यूज करते थे इसी तरह इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। इट्स अ वोलाटाइल इन स्टीम। जब इसको स्टीम में डालेंगे बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? वोलाटाइल हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा बोरॉक्स। ठीक हो गया। इट इज अ वीक एसिड। वोलाटाइल इस वजह से क्योंकि वीक एसिड है, और इसका जो सोल्यूशन है नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ओरेंज वीक एसिड। कैसे हमें पता चला कि वीक एसिड है? कि हमारे पास एक इंडिकेटर है मिथाइल ओरेंज। जब मिथाइल ओरेंज के साथ इसको चेक करते हैं तो मिथाइल ओरेंज जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कलर शो करता है, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं उसके लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, जब लिटमस पेपर लेंगे उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा, तो उससे हमें पता चलेगा ये क्या है आपके पास? एसिडिक है, एसिडिक नेचर है। इसकी एसिड pH क्या है? 4 से ऊपर है, 4.5 और 4 के दरमियान में। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शन। बोरिक एसिड का केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विद अल्कोहल। जब बोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? व्हेन बोरिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन इट प्रिपेयर इथाइल बोरेट C2H5 BO3 ओके एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल। हीट का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर? व्हेन हीटेड स्ट्रांगली बोरिक एसिड पाउडर फॉर्म में होता है। इट स्वेल टू फोर्थी मैस, झाग टाइप का इसका जो ना जो पाउडर है बोरिक एसिड का, वो झाग की तरह बनना स्टार्ट हो गया, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? एक पाउडर, ब्लैकिश पाउडर। इट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू अ मेटाबोरिक एसिड। जब इसको हीट करेंगे तो फर्स्ट ये किसमें कन्वर्ट होगा? मेटाबोरिक एसिड, और फाइनली बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 वाटर मॉलिक्यूल सारा रिलीज हो गया। आर्थोबोरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो मेटाबोरिक एसिड, फर्दर इसके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड आर्थोबोरिक एसिड की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोरैक्स में H2B4O7। अब रेड हॉट जब हम इसको हीट करेंगे बोरैक्स को, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल सारे रिलीज हो जाएंगे और B2O3 पाउडर आपके पास रह जाएगा। एसिडिक बिहेवियर,
क्या ये सिर्फ बिहेवियर शो करता है कि नहीं, हम पहले जानते हैं कि ये क्या आपके पास वीक एसिड है और मोनोबेसिक है। जैसे ही इसको हमने वाटर में डाला आयोनाइज कराने के लिए, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड एंड आयोनाइज वेरी स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी क्वान्टिटी के अंदर वाटर को आयोनाइज करता है। और ये आपके पास एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, बल्कि ये क्या करेगा वाटर से, मोनोबेसिक भी है, वाटर से क्या करेगा हाइड्रोक्सी आयन लेगा और अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, वाटर वाला हाइड्रोजन क्या करेगा रिलीज करवा देगा और बोरॉन टेट्राहाइड्रोक्सी आयन बना देगा, एनायन। एक्चुअली मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थो बोरिक एसिड या बोरिक एसिड एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी आयन फ्रॉम वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक हो, ये वह बोरिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड व्हेन ऑर्थो बोरिक एसिड या बोरोएक्स बोरिक एसिड रिएक्ट आयोनाइज विद वाटर या रिएक्ट विद वाटर, इट डज नॉट रिलीज ओन हाइड्रोजन, ओन हाइड्रोजन अपनी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, बल्कि वाटर के में से क्या करेगा हाइड्रोक्सीजन लेगा और वाटर वाले हाइड्रोजन को रिलीज करवाएगा, और सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ वीक एसिड एंड आल्सो इट इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बोरेक्स। कॉस्टिक सोडा क्या है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ जब ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे Na2B4O7 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शन विद सोडा एच, जब सोडा एच आपके पास सोडियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करेगा, उस केस में भी बोरॉक्स बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा रिलीज होगी प्लस वाटर भी रिलीज होगा। हियर इज अ पॉजिटिव ओके। नेक्स्ट इज दैट इज अ रिएक्शन ऑफ अ बोरिक एसिड। नेक्स्ट इज अ टाइट्रेशन। बोरिक एसिड को हम टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते डायरेक्टली, एसिड तो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है वीक एसिड है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद एल्कली इन यूजुअल मैनर। हाउएवर हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की मौजूदगी में अगर हम इसको यूज करें टाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एल्कली के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और इस दौरान जब इंडिकेटर यूज करेंगे इसके कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, फिनोप्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज अगर यूज करेंगे तो वो कलर शो नहीं करवाएगा, वो हमें नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक हो गया, कि टाइट्रेशन का प्रोसेस हुआ कि नहीं। लास्ट वन इज द यूजेस ऑफ अ बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं और फॉर एग्जांपल जैसे कि डस्टिंग पाउडर हो गए और बोरिक ऑनिमेंट्स ऑन्टमेंट्स एंड बोरिक सॉल्यूशन इज इन द आई वॉश या आई क्लीनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बोरिक ऑन्टमेंट्स ये जो है ना आपके पास प्रेगनेंसी या स्पर्म्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला मटीरियल, ठीक है, बोरिक एसिड। इट इज़ यूज इन द पॉटरी ग्लास, ये बर्तनों को रंगने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोरेट ग्लास आर मोर फ्यूजिबल देन सिलिकेट्स, सिलिकेट की नस्बत ये ज़्यादा फिजिबल होते हैं और इनका जो है ना चमक और इनकी जो है ना शाइनिंग क्या है बहुत ज़्यादा होती है बोरेक्स की, और इसकी हाई कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन और इसकी कोफिशेंसी पावर ये ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कैंडल इंडस्ट्री, ये जो आपकी मोमबत्ती होती है उसके अंदर क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिफनिंग ऑफ विस्क कि वो जो आप मोमबत्ती का जो विस्कस लिक्विड होता है उसको क्या कहता है सस्टेन करता है कि वो जल्दी से वो ख़त्म नहीं होता वो आयल, ठीक है, जिसकी वजह वो देर पा तक वो जलती रहती है। इस ये थे इसके यूजेस बोरेक्स के, इन टूडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज बोरेक्स, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर, हु वाज फर्स्ट प्रिपेयर बोरिक एसिड, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ बोरिक एसिड, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस its chemical reaction and physical properties and the preparation of a boric acid. I hope you understand about today's lecture. If any question, any problem, to mention our comments in a comment box. If you understand the video, like video and share with a friend and subscribe my channel. Okay, students and audience, take care, stay home and safe life.